हेलो दोस्तों, हमें द वार एल्वेट्स। दोस्तों, आप जानते हैं कि चीनी प्रोडक्ट पर बैन के लिए देश भर में मुहिम चली। लोगों ने टीवी तोड़ दी, मोबाइल तोड़ दिए, चाइनीज सामानों को आग लगा दिया, जूते मारे। प्रोटेस्टर्स से दैट चाइना मस्ट बी टारगेटेड इकोनॉमिकली एज वेल एंड आर कॉलिंग फॉर द बॉयकॉट ऑफ चाइनीज गुड्स एंड पोस्टर्स ऑफ द चाइनीज प्रेसिडेंट। दोस्तों, चाइना के प्रेसिडेंट का पुतला भी जला दिया हमारे आसनसोल के बीजेपी अध्यक्ष ने। चलो देखते। हम लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं। चाइना में जो घटना हुआ लद्दाख में, उसका विरोध में हम लोग ये रैली निकले हैं। और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोन। अरे भाई, ये किम जोन जो है वो नॉर्थ कोरिया का है, चाइना का नहीं है। मेरे भाई को चाइना का नहीं है। जाने दो, वैसे भी क्या करना है, जला दो उसका भी पुतला। वो भी कौन सा दूध का दूल्हा है, आराम ये साला। उसका जलाएंगे पुतला, उसका पुतला भी जलाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम गणेश मट्टी है। हम आसनसोल साउथ मंडल वन के बीजेपी का अध्यक्ष है। दोस्तों, हमारे एक नेताजी ने तो चाइनीज फूड पर ही बैन लगाने को बोल दिया। गो कोरोना गो के अपार सफलता के बाद हमारे रामदास भाई वापस आ गए। चलो देखते क्या बोलते हैं हमारे नेताजी। मेरी सूचना ये है कि जो चाइनीज होटल्स है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए। और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए, सरकार ने उनको इसी तरह का आदेश देना चाहिए। और चाइनीज फूड खाने वाले लोगों को भी मेरा आह्वान है, निवेदन है, नम्र विनती है कि उन्होंने ऐसे वक्त पर जिन्होंने ऐसे चाइना के जो फूड है उस पर भी सभी लोगों ने बहिष्कार डालना चाहिए। पता नहीं वो कौन से दुनिया में रहते हैं, पर अभी उनको कौन समझाए कि चाइनीज फूड के नाम पे यहाँ पे जो मिलता है उसमें से कई सारी चीजें तो चाइना में भी नहीं मिलती। खैर, कौन समझाए उनको। हम ये चाइना पर बैन की उनकी भावना को समझ लेते हैं। वैसे यहाँ पे चाइनीज आइटम जो बेचते हैं, बेचारों ने चाइना का नक्शा भी नहीं देखा होगा। जो चाइनीज बनाते हैं वो इंडियन है, जो रॉ मटेरियल आता है उसके लिए वो इंडियन है, जो खाते है वो इंडियन है। खैर छोड़ो इस बात को। अरे यार, लेकिन इस बंदे ने तो सच में सीरियसली ले लिया ना रामदास भाई को। देखो, टेले से चाइनीज नाम ही हटा दिया। लेकिन दोस्तों, नतीजा क्या निकला? अब खबर सामने आ रही है कि चाइनीज कंपनी वन प्लस ने अपने मोबाइल लॉन्च किए थे अमेजोन पे, और वो कुछ ही मिनटों में, दोस्तों वो चंद मिनटों में सोल्ड आउट हो गए। वाह रे मेरे दिल, क्या हो रहा है? न्याय करो माधवचंद भोसड़ी वाले, हम न्याय करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, इंडिया में अब चाइना का कोई चीज नहीं चलना चाहिए, ये बात एक कुत्ते को समझ में आई, लेकिन हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। नहीं समझे? चलो देखते। ये मैडम बना रही थी टिकटॉक, कुत्ते ने देखा जैसे साला टिकटॉक इंडिया में, काट लिया सीधा। इंजेक्शन लगेगा अभी तगड़ा। ऐसे बैन होना चाहिए टिकटॉक इंडिया, दूसरा कोई तरीका नहीं है। सही है। ओ तरीकी, रुको एक सेकंड, ये क्या है? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। तुम साले करो तो राष्ट्रीय, हम करें तो करेक्टर ढीला। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? दोस्तों, भारत के लोग क्रिकेट के कितने दीवाने हैं सबको पता। भारत के लोगों को चाहिए बैट्समैन छक्के चौके मारे तो मजा आता है, उनको खाना हजम होता है। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार आईपीएल नहीं हो रहे, सबको पता है। जनता की इसी परेशानी को भांपते हुए केंद्र सरकार ने दो बैट्समैन मैदान में उतार दिए। हाँ दोस्तों, दो बैट्समैन उतारे और ऐसे धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं वो दोनों बैट्समैन। चलो दिखाते हैं आपको। आज लगातार 18वें दिन भी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए। आइए हम आपको बताते हैं कि कितनी है आज दिल्ली में डीजल और पेट्रोल की कीमतें। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि डीजल की कीमतें जो हैं वो पेट्रोल की कीमतों से ज्यादा है, 12 पैसे ज्यादा है। तो दिल्ली में पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल, लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आम आदमी की जेब पर चोट। दोस्तों, ये दोनों बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बात से हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी खपाए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर
भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। आज देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति बना दी है इस सरकार ने। पहले दूध की कीमत में इजाफा किया, उसके बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। दोस्तों अब पता नहीं अपने ये वाले मोदी जी अपने वो वाले मोदी जी से कब मिलेंगे और इस बात पे सोल्यूशन निकालेंगे। जनता पहले से परेशान है और उसमें आप पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे हो, हद हो गई यार, हद हो गई। दोस्तों इसी बीच है ना, जनता पूरी एक मैडम को बहुत ढूंढ रही है, वही अपनी बहन जी। बहुत हो गई महंगाई की मार, क्या कहती थी देखो। चलो पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मार कर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे, उन्हें उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लॉकडाउन में दोस्तों सब बैठे बैठे इतने बोर हो गए थे, जैसे लॉकडाउन खुला सबने सोचा आज चलो कुछ तूफानी कर दे। भाई एक दोस्त ने देखो क्या किया, गाड़ी ली नहीं, मस्त एकदम शोरूम से निकाली और सीधे ठोक दी। भाई ने सोचा चलो कुछ तूफानी करता है, बैंड बजा दी गाड़ी की भाई ने तो, और इस बाइक को देखो ये तो अपने आप तूफानी पे निकल पड़ी है, इस तरीके गिर गई। दोस्तों बेंचो इस कोरोना को कैसे भूल सकते हैं। भारत आज चौथे नंबर पे पहुंच गया है और 5 लाख से ज्यादा मरीज हो गए हैं भारत में। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है। भारत में कोरोना के कुल मामले 5,08,953 हो गए और उसके साथ ही भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना के मरीजों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। दिन ब दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे। ये हरामखोर चाइना वाले साले कोरोना फैला दिया पूरी दुनिया में। इतने गांड फटी के ये बड़वे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।